कलकत्ता में मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुई दरिंदगी की घटना पूरे देश में इन दिनों सुर्खियां बनी हुई है। बात करें गाजीपुर की, तो गाजीपुर में भी मेडिकल के छात्र छात्राओं के द्वारा लगातार धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सैदपुर में मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुई दरिंदगी की घटना से सैदपुर के प्राइवेट डॉक्टर और मेडिकल कर्मियों ने सैदपुर तहसील के सामने कैंडल जलाकर जमकर नारेबाजी किया। मेडिकल एसोसिएशन सैदपुर के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे सारे डॉक्टर इंसाफ के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शन के बाद सभी लोग कैंडल हाथ में लेकर सैदपुर तहसील से पूरे बाजार में कैंडल जुलूस निकालकर दोषी के खिलाफ फांसी दिए जाने की मांग किया। इन लोगों का कहना है कि बेरहमी से इतनी क्रूरता से पढ़ने वाली एक बच्ची का मर्डर करना और वह भी इमरजेंसी ड्यूटी में, जो कहीं ना कहीं दरिंदगी दर्शाती है। ये हमारे देश में एक दयनीय स्थिति पैदा हो चुकी है, जहां बेटियों को सम्मान मिलता है, अधिकार मिलता है, आज हमारी बेटियां कहां से कहां चली गई और इसी देश में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। घिनौनी हत्याएं हो रही हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं नई बेटियों के साथ। और हम लोग ये चाहते हैं, सरकार से मांग करना चाहते हैं कि ये सब घिनौनी अत्याचार बंद किया जाए और बेटियों को, और मेडिकल एसोसिएशन सैदपुर की तरफ से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि देश में एक ऐसी पहल किया जाए जिसमें हमारी देश की बेटियां सुरक्षित हो, नहीं तो हम लोग आने वाले कल में इससे बड़ा हड़ताल करने का काम करेंगे। मामला कोलकाता के जो ममता डॉक्टर थी उसके साथ जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ हम लोग जो है कि मोमबत्ती और कैंडल मार्च कर रहे हैं। जो उसको जो गुनाह किया उसको फांसी सजा मिले। आप लोग की सरकार से क्या मांगे रहेंगे? सरकार से ये मांगे हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित रहें और ऐसा शासन बनाया जाए, ऐसा नियम बनाया जाए कि किसी के साथ ऐसी बहनों के साथ अत्याचार न हो। जैसा देखा जा रहा है कि देशव्यापी में जितने भी मेडिकल हैं वो सब इस समय हड़ताल पे चल रहे हैं, तो ये अभी कितने दिन तक चलेगा? ऐसे ये हड़ताल का कोई एक सीमा नहीं बना है और जब तक उसको फांसी का सजा न मिलेगा तब तक हड़ताल की संभावनाएं बनी रहेगी।